हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन और आंसर कवर किए हैं, जो कि आपके हिंदी साहित्य बीए सेकेंड ईयर के ऑब्जेक्टिव से हैं। ओके, जो कि आपको जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये क्वेश्चन और आंसर एंड तक देख लेते हैं तो आई होप आपको एग्जाम में इनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो दोस्तों, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। ओके, सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी के रचनाकार हैं, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी कामायनी के रचनाकार हैं। ओके, सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद जी की कविताओं का संकलन है, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चित्राधार। ओके, सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है, तो गाइस ऐसे क्वेश्चन और आंसर में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसमें जो पूछ रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी की कृति नहीं है, तो किसी में पूछ सकता है जयशंकर प्रसाद जी की कृति है, तो ऐसे में आपको मिस्टेक नहीं करना है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि जयशंकर प्रसाद जी की कृति नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पल्लव। पल्लव जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की कृति नहीं है। ओके, सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी महाकाव्य का रचना काल है, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सन 1935 ईस्वी है। ओके, गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की है, तो गाइस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंसू। ओके, सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी का अर्थ है, कि कामायनी का अर्थ जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काम गोत्रजा। ओके, सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी महाकाव्य का दर्शन है, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शैव दर्शन। ओके, सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाकाव्य। ओके, सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी के आधार पर मानव का विकास हो सकता है, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रद्धा विश्वास से कामायनी के आधार पर मानव का विकास हो सकता है। ओके, सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रद्धा सर्ग में प्रयुक्त छंद का नाम बताइए, तो गाइस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रृंगार छंद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की कुल कितनी संख्या है, तो गाइस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15। ओके, कि कामायनी महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं। ओके, सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रद्धा सर्ग कामायनी का कौन सा सर्ग है, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तीसरा सर्ग है। कामायनी का श्रद्धा सर्ग जो है वो तीसरा सर्ग है। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद युग की प्रतिनिधि रचना का नाम बताइए, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कामायनी के। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रद्धा का सांकेतिक अर्थ क्या है, श्रद्धा जो है उसका सांकेतिक अर्थ क्या है, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हृदय की कोमल भावना। ओके, सो गाइस उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको मिस ना हो और उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।